ईडी की गिरफ्त में आए इंजीनियर वीरेंद्र राम की बर्खास्तगी की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया है। कोयला और बालू के अवैध उठान पर बीजेपी विधायकों ने सीएम हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगा है। ईडी की गिरफ्त में आए ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर वीरेंद्र राम को लेकर सियासत में उबाल आ गया है। बीजेपी के विधायकों ने सरकार पर वीरेंद्र राम को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। ये हेमंत सोरेन जी की सरकार पूरी तरह हर मोर्चे में फेल है। और अभी जो कल चुनाव हुआ, उपचुनाव रामगढ़ का, ये इनके खिलाफ में मैंडेट मिला है और इनकी ये विश्वसनीयता खो दिए हैं और पूरे राज्य का इसमें संतोष है, आक्रोश है। और इसलिए इनको अब इस चुनाव को देखते हुए अपने पद पर बने रहने का उचित नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं, झारखंड की जनता मांग करती है कि ऐसे तुरंत इस्तीफा दें और नए ऐसे चुनाव में इनको जाना चाहिए। वही बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने रामगढ़ की जनता का धन्यवाद अदा किया है। ओझा का दावा है कि हेमंत सरकार में कोयला और बालू की तस्करी हो रही है। नहीं देखिए, जिस प्रकार से पहले तो आपके माध्यम से रामगढ़ की प्रबुद्ध जनता को धन्यवाद देते हैं कि रामगढ़ की प्रबुद्ध जनता ने जो वर्तमान यूपीए सरकार के जारी भ्रष्टाचार थे, जो युवा विरोधी कृत्य थे, वहाँ की जनता ने उसके खिलाफ जनादेश देने का काम किया था। और जिस प्रकार से प्रदेश में प्रखंड कार्यालय से लेकर के सत्ता सिर तक भ्रष्टाचार का आलम है, उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण आज बाहर में उसका प्रतिकार कर रहे हैं। यह सरकार राज्य विरोधी है, यह सरकार युवा विरोधी है, यह सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। वहीं बीजेपी विधायक अमित मंडल ने सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। सरकार ने ड्राफ्ट किया है कैबिनेट में, ये छलावा है। सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रही है। सरकार चाह रही है कि 40% बाहरियों को नौकरी दे। सरकार चाह रही है कि इसको ओपन टू ऑल कर दे। सरकार चाह रही है कि खतियान के आधार पर नौकरी ना दे। जिस वादे के साथ सरकार आई थी, उस वादे से सरकार उतर गई है। और युवाओं को ठगने का काम ये सरकार कर रही है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी खेल की बात भारतीय जनता के लिए और युवाओं के लिए कुछ नहीं। इनसे भी बात करते हैं। झारखंड में एक के बाद एक भ्रष्ट अधिकारियों के चेहरे का खुलासा हो रहा है। ऐसे में सरकार को भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब के स्टूडियो टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।